हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है डील्स फॉर यू। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 2022-23 पर मिलने वाले समर्थन मूल्य के बारे में, यानी कि 2022-23 में आपको कितना MSP बढ़कर मिलेगा। 2022-23 का समर्थन मूल्य क्या है? खरीफ फसल और रवि फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विपणन सीजन 2022-23 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में वृद्धि की मंजूरी दे दी है। सरकार ने उत्पादों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विपणन सीजन 2022-23 के लिए खरीफ फसलों की MSP में वृद्धि की है, जैसे कि आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। वीडियो को दोस्तों, किसान भाइयों अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं 2022-23 पर मिलने वाले धान के समर्थन मूल्य के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं धान के सामान्य में, आपको 2021-22 में समर्थन मूल्य 1940 रुपये मिलती थी, जो कि 2022-23 में 2040 रुपये यानी कि 100 रुपये बढ़कर मिलेगी। धान ग्रेड ए में 1960 रुपये मिलती थी, जो अब 2060 रुपये मिलेगी, यानी कि इस बार भी 100 रुपये MSP बढ़कर मिलेगी। जवार पर आपको 2738 रुपये मिलती थी, जो इस बार 2970 रुपये यानी कि 232 रुपये बढ़कर मिलेगी। जवार के मालदा डी वर्धन में आपको 2758 रुपये समर्थन मूल्य मिलती थी, जो इस बार 2022-23 में 2990 रुपये यानी कि 232 रुपये बढ़कर मिलेगी। बाजरे पर 2250 रुपये का समर्थन मूल्य मिलता था, जो इस बार 2350 रुपये यानी कि 100 रुपये बढ़कर मिलेगी। रागी में भी 3370 रुपये समर्थन मूल्य थी, जो इस बार बढ़कर 3578 रुपये यानी कि 201 रुपये बढ़कर मिलेगी। मक्का के समर्थन मूल्य में 1870 रुपये मिलती थी, जो इस बार 1962 रुपये यानी कि 92 रुपये बढ़कर मिलेगी। तुअर मतलब अरहर के समर्थन मूल्य पहले 6300 रुपये थी, जो इस बार 6600 रुपये यानी कि 300 रुपये बढ़कर मिलेगी। मूंग का समर्थन मूल्य 3275 रुपये था, जो इस बार 2022-23 में 7755 रुपये यानी कि 480 रुपये बढ़कर मिलेगी। उड़द का समर्थन मूल्य 6300 रुपये था, जो इस बार बढ़कर 6600 रुपये यानी कि 300 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। मूंगफली के समर्थन मूल्य 5550 रुपये थी, जो इस बार 5850 रुपये यानी कि 300 रुपये बढ़कर मिलेगी। सूर्यमुखी के बीज का समर्थन मूल्य 6015 रुपये था, जो इस बार बढ़कर 6400 रुपये यानी कि 350 रुपये बढ़कर मिलेगी। सोयाबीन पीला में 3950 रुपये समर्थन मूल्य थी, जो इस बार बढ़कर 4300 रुपये यानी कि 350 रुपये एक्स्ट्रा बढ़कर मिलेगी। तेल का समर्थन मूल्य 7307 रुपये थी, जो इस बार 7830 रुपये यानी कि 523 रुपये की वृद्धि हुई है। राम तेल पर समर्थन मूल्य 6930 रुपये थी, जो इस बार 7287 रुपये यानी कि 357 रुपये बढ़कर मिलेगी। कपास मध्यम रेशा में समर्थन मूल्य 5726 रुपये थी, जो इस बार 6080 रुपये बढ़कर मतलब 354 रुपये बढ़कर मिलेगी। कपास लंबा रेशा में समर्थन मूल्य 6025 रुपये थी, जो इस बार 2022-23 में 6380 रुपये यानी कि 355 रुपये बढ़कर मिलेगी। विपणन सीजन 2023-24 के लिए रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के 1.5 गुना के स्तर पर तय किया गया है, जिनका लक्ष्य किसानों के लिए उचित पारिश्रमिक तय करना है। सफ़ेद सरसों और सरसों के लिए अधिकतम रिटर्न की दर 104% है, इसके बाद गेहूँ के लिए 100%, मसूर के लिए 85%, चने के लिए 66%, जौ के लिए 60%, कुसुम के लिए 50% है। सरसों का समर्थन मूल्य 2022-23 में 5050 रुपये प्रति क्विंटल था, अब 2023-24 में इसका समर्थन मूल्य 400 रुपये बढ़ाया गया है, जिससे कि अब सरसों का समर्थन मूल्य 5450 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों गेहूं के समर्थन मूल्य की। गेहूं का समर्थन मूल्य 2022-23 में 2015 रुपये प्रति क्विंटल था, अब 2023-24 में इसका समर्थन मूल्य 110 रुपये बढ़ाया गया है, जिससे अब गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। बात करते हैं मक्का के समर्थन मूल्य की। 2022-23 में 1870 रुपये प्रति क्विंटल था, अब 2023-24 में इसका समर्थन मूल्य 92 रुपीज़ बढ़ाया गया है, जिससे अब मक्के का समर्थन मूल्य 1962 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
सरकार ने लगभग सभी फसलों में MSP बढ़ाया है। आज की महंगाई के अनुसार क्या यह समर्थन मूल्य सही है? अब किसान के तौर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। डील्स फॉर यू।